अभी तो तुम्हारे पापा ने ना झोल माल करके मला मना लिए ना मुझे आगे ना आगे कोई खुशी होगी। लगते साल जल्दी से डैडी बनो। मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्यों? तो ऐसी है हीरो छोड़ रहे नौकरी। मेरे को भी चाहिए ऐसी 35,000 रुपए हर दिन। बड़े जीजा छोटे जीजा के दोनों को आई लव यू कर देती हूँ। नहीं नहीं ताई ताई लेगी बंदूक निकाल के भी। बात ये है कि आज के दिन जाके ऐसा लगा है कि हाँ आज थोड़ी सी नींद ली है, 4 घंटे सोए हैं और अभी मन ये है कि थोड़ा बहुत एडिट करके मैं फिर से सो जाऊंगा। मैं पूरा दिन सो सकता हूँ आज, मतलब अब जाके नींद पूरी होने लगेगी, थोड़ा आराम मिलने लगेगा। और कल शाम को जो कथा थी सत्यनारायण जी की, तो कार्यक्रम का समापन वहीं होता है जब सत्यनारायण की कथा हो जाती है, तो कल शाम वो हो गई, सारे रिश्तेदार सबजन आशीर्वाद दे गए। मेन चीज़ ये है कि आज एक रसम है जिसको कहते हैं रसोई, और रसोई कहते होंगे मैंने सुना था, पर अंदर जाके पूछ लेंगे है ना। और आज ये फुल पावर ऑफ व्लॉगिंग फिर से शुरू हो रही है, मतलब मैं अपनी शादी की व्लॉगिंग नहीं कर पाया, और ये असल में मुश्किल काम होता है, मतलब आप नहीं कर सकते फिर व्लॉगिंग। ये जो मैं इतनी बातें कर रहा हूँ ये करने का टाइम भी नहीं था, फिर भी किया था मैंने कुछ कुछ। दर्शन करते हैं। नमस्कार नमस्कार। हेलो, क्या कर रही हैं आप आज? खीर बना रही हैं आप? ये क्या है? ये खीर प्रेप्स। खीर प्रेप्स। इस रसम को कहते क्या है असल में? इनॉग्रेशन ऑफ कुकिंग। क्या बोला आपने? क्या बोला आपने? इनॉग्रेशन ऑफ कुकिंग। इनॉग्रेशन ऑफ कुकिंग, कुकिंग इनॉग्रेशन। पहली रसोई। चलिए खीर बनने जा रही है यहाँ पर। मम्मी के दांतों में थोड़ा दर्द है तो वो आज कैमरा फेस नहीं करना चाह रही। शादी के बाद वाला घर दिखा देते हैं आपको। होता क्या है कि जिस दिन शादी निपटती है उस दिन सबसे मेन टास्क होता है सफाई। सफाई थोड़ी बहुत हो गई है। देखिए आज पहली बार ड्राइंग रूम गूंज रहा है, सारा सामान झमेला इतना पड़ा हुआ है यहाँ पर आफ्टर शादी, देख सकते हैं आप। ये मिठाई हमने मंगाई है जब लोगों को विदा करते हैं, मेहमानों को विदा करते हैं, उनके हाथ में देते हैं। दिस इज़ माय फादर द सुपर हीरो। अगला थैंक्स जो है लवी को सबसे बड़ा, क्योंकि ये बेचारे एक टांग पे खड़े रहे पूरी शादी में, तो मैं इनको अभी तक थैंक्स भी नहीं बोल पाया। ये सुबह से सो रहे थे पर मैंने इनकी नींद में 2-4 किस्सी ले ली, बट थैंक्स टू लवी। मतलब अभी भी ये काम ही कर रहे हैं बेचारे, इनको अभी भी मतलब जैसे कुछ जानकारी है कि हाँ ये छूट गया है, ये होना बाकी है। अगला थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा अपने फ्रेंड्स को और दिव्यांशु और रियांश गर्ग
मतलब आप दोनों ने भी बहुत साथ निभाए। प्रयाज गर्ग भाई तो मतलब बिना हिचके हमेशा मेरे बगल में खड़े रहे भाई, कुछ भी बात हो बता दे। आज मैं व्लॉगिंग इस तरह से शुरू कर चुका हूँ, पर मतलब देख लीजिए मामले, मतलब इनके जलवे देख लीजिए, ये इतनी गजब की चीज है कि मैं क्या बताऊँ, जरा भी घूम मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, टिल्ट लॉक है भैया। अब मैं कहीं भी ले जाऊँ मैं सिर्फ मैं ही दिखूँगा, चाहे मैं ऊपर ले जाऊँ चाहे मैं आगे ले जाऊँ, पर दिखूँगा मैं ही। तो फाइनल लास्ट थैंक्स मैं बोलना चाहता हूँ राहुल डोबरियाल जी, बहुत आशीष बुढ़ाकोटी जी, बहुत कमाल, मतलब मित्रों की वजह से भी हमारा कार्य संपन्न हुआ है। क्या कहते हैं उसको, एहसान चुकाए ना चुका, मतलब निस्वार्थ भाव से इतना वो मेरे साथ लगे रहे, और उन्होंने हमारी फैमिली के काम को अपनी फैमिली का काम समझा, तो भाई मतलब नतमस्तक हैं हम। थैंक्स टू सुकृति भाभी जी जो यहाँ शामिल हुई, हमारे साथ रही, मतलब एक एक फंक्शन देखा है, जबकि कोई मतलब नहीं बनता उनका, उनको कोई स्वार्थ तो है नहीं उन बेचारी उनका, और जबकि आराम से रह सकती थी घर में, पर वो हर एक फंक्शन में, छोटे से छोटे फंक्शन में भी शामिल हुई, उनको भी बहुत दिल से शुक्रिया भाई। मेरे सारे ही मेहमानों को शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला, अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, मतलब फिर से नतमस्तक है, एहसान भुलाए नहीं भूलता, चुकाए नहीं चुकता, थैंक यू सो मच। खीर की तरफ चलते हैं कि प्रिपरेशन कहाँ चली, मम्मी को सिर्फ इस साइड से दिखाएंगे हम, क्योंकि अगला गाल सूजा हुआ है इनका, इनके दांतों में दर्द है एक तरफ, क्या बात है, चावल है। कोई बात नहीं, इधर कुछ ड्राई फ्रूट्स भून लिए जाएंगे। डोबी ने इतनी गजब की चीज दी है ना, लगी बहुत इजी हो चुका है, मतलब ये फुटेज भी इतनी कमाल ले रहा है, हद कमाल भाई। राहुल डोबरियाल जी ने अपनी आत्मा के साथ छोड़ दी, ये राहुल डोबरियाल ही है यार, ये इसका नाम डोबी रख दिया डोबी। तो भाई अब जो DJI कैमरा हमारे पास है, इनका नाम हमने डोबी रख दिया यार, इस पे एक लिख भी देंगे डोबी है ना कैमरा पे, यहाँ पर लिख देंगे, तो जैसे हम घर पे ढूंढेंगे तो हम बोलेंगे डोबी का है, तो ये डोबी अगर ढूंढेंगे तो ऐसा पता चलेगा कि भाई डोबी चार्ज पे। देखने वाली बात है कि नई नई बहू घर में खीर बना रही है भाई, क्या बात है। निक्कू भी आज देहरादून वापस जा रहा था, शादी के लिए आया था, अभी भी इसको जल्दी निकलना था, सिर्फ खीर खाने के लिए रुका हुआ था। मैं जा रहा हूँ, अब आपको मिलूंगा आराम से, ठीक है? हाँ, ठंडी आइसक्रीम नहीं खानी, गर्म आइसक्रीम खानी है। चलो फिर हड्डी को बाय बोलो, हड्डी जा रहा है, मैं भी करूँगा, हाँ जी करो, आराम जाना, वहाँ पे गाड़ी जा रहा है, एंजॉय करना, ठीक है। अरे जीजा तुम कहीं आसपास ही बैठे थे क्या? हाँ, तभी तो जब तुमने फोन किया है ना, ठीक है बाबू मैं जा रहा हूँ। नहीं जीजा बहुत बेहतरीन, यहाँ पर जीजा भी पहुँच चुके हैं, और इनका मैं फ़ोन आया था कि बोले हो गया है खाना वाना खा लिया या भूखा है, तो मैंने कहा भाई खीर बन रही है पहली बार, तो जीजा जी भी पहुँच गए हैं खीर चखने के लिए। तो समझदार है, बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत आभार। चलो टाटा, बाय बाय बहन। कर दीजिए, हमें शांति से बैठने दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, खीर बन चुकी है, सिर्फ इतना पोर्शन दिखाना, क्यों ये गिराया तूने उधर, पापा को परोस दीजिए पहले, अभी थोड़ा ठंडा, जोर से बोलिए, जोर से, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। चलो जी, लवी हट जा, चश्मा रखाओ मेरे पास, कैसी है? बहुत टेस्टी गिज त्रिप हो गया तुम्हारा, हाँ वही हो गया। गरम है जीजा, फूंक मार के खाओ, कैसी हो रही है? कमरे में खाएगी वो, ऐसे है तो उसी की, पर चख ले, थोड़ी चख रहा हूँ, देख रहा हूँ मिट्टी तो नहीं है, देख रहा हूँ
वाओ कैसी बनी? बहुत मस्त। ये उससे बढ़िया है जो तेरे पास दूसरा वाला का? उससे तो बहुत ऊपर की चीज है। अब वो कहाँ, वो कहाँ टांग दे अपनी, वो कहाँ है वो मुझे दे दे। आप व्लॉगिंग करना चाहते जी? जी अगर आप व्लॉगिंग करोगे तो मतलब चैनल उफान मार जाएगा। हाँ। हाँ। महीने के मतलब 50-60 लाख अंदर। मैं करोड़ों के सोच रहा तो लाखों के सोच रहा। मुझे लगा कि आप मजाक कर रहे हो तो मैंने कहा थोड़ा मजाक मैं भी कर लूं। अच्छा। दोनों ने खीर चखी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप बताइए आपको कैसी लगी खीर? बहुत मस्त। मजा आया? मजा आया। टिप तो बनती है पर मेरा साला खुद देगा अपनी बारी। आपको पसंद आई? एक बार पर्सनली जाके बोल दो ना, जाके आओ। चलो कैमरा बंद। अरे चुप, चलो जल्दी चलो, शर्मा क्या रहे यार। चलो बता दो अपनी तरफ से, खुद से बोल दो। चलिए जल्दी जीजा। अरे आओ यार, कुछ नहीं होता जीजा, बोलो। सपोर्ट के लिए, मतलब सपोर्ट के लिए लवी चाहिए आपको। मर्द मर्द बनो, मर्द। चलो 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 यार, चलो। अरे यार खीर क्यों खाई तुमने फिर? चलो कभी ना कभी तो बात होनी है। चलो हाँ भाई मीनू सुनो, बहुत अच्छी खीर बनी, पैसे कैमरा बंद कराओ। चलो अब बंद कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। अरे भगवान, अच्छा मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। चलो बेचारे, नेक देने में भी कोई कोई, आपको सिर्फ नेक देना है और वापस आना है, बस। शर्मा रहे हैं बेचारे। चल चल चल, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, पकड़ो भाई, शगुन नहीं है, शगुन दिखाना मत इसका। हाँ चलो भाग जाओ, भाग जाओ। सुबह सुबह सेट कर दो यार, कालीन कुलीन बिछा दो। क्या है मेरा ऐसे फटाफट खा रहा, उसे सही कर। सास और बहू साथ में नाश्ता करने वाले हैं, मतलब आई मीन मैं भी। खीर के लिए इन्होंने सही बर्तन सोचा, पीकू को प्रेशर कुकर में दे दिया जाए। एक बात तो सही साबित हो गई कि जिस बर्तन में पकता है उसमें खाने से ना बारिश होती है ना अकल उसमें जाती है, क्योंकि हमने तो जिनसे चाहा तो उनसे शादी भी कर ली, मतलब अकल हम में है, और मेरी शादी में बारिश भी नहीं हुई। अरे यार बताओ बताओ बताओ, बहुत टेस्टी। अच्छा हो रहा है? मजा आ गया। अच्छा बना है? बहुत बढ़िया। चलो मतलब ऐसा भी क्या ही है कि लड़की खीर बनाए और सब लोगों को जजमेंट दे, बट होना रहा यार, कुकिंग भी एक तो आर्ट है भाई। बहुत अच्छा लग रहा है अब मेरे लिए तो यार, सब कुछ ही बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मेरे माता पिता ने पहली बार इनके हाथ की खीर खाई और दोनों को बहुत अच्छी भी लगी, तो हाँ क्या ही रोना मत। तो बस यही है फिलहाल, हमारा खाना लग चुका है। हाँ मैं ये कह रहा था कि कढ़ाई में खाने से शादी में बारिश नहीं होती, भर के खाओ जितना मन करे, क्योंकि असली स्वाद सिर्फ और सिर्फ कढ़ाई में ही छुपा हुआ है। जब आप सारा खाना निकाल लेते हो कढ़ाई से, बस असली मसाले और टेस्ट उसी में रह जाता है। ये मेरी खुद की रिसर्च है जिसको समझने में मुझे 29 साल लग गए, और फाइनली रिजल्ट आपके सामने है। तो कोई भी हल्का टाप से आके बोले कि भाई कढ़ाई में खाने से बारिश होती है शादी में, तो कम से कम वो तो मैंने झूठला दिया, क्योंकि मैं बचपन से ये टॉन्ट सुन रहा हूँ। आप बताइए आपको कैसी लग रही खीर? अच्छी बनी है? चटनी मम्मी ने बनाई है, चटनी तो बहुत ही अच्छी बनी है, एकदम कंठ खोलने वाली। तू नहीं खाती ना इतना मिर्चीला? मिर्चीला अरे मतलब मरचौड़िया चलता है कभी कभी, है ना। चलो मतलब ये वैसी वाली मिर्च नहीं है कि बिल्कुल लग भी रही है पर अच्छी भी। बड़ा गप्पा मारो, एक पता लग जाएगा। बड़ा गप्पा मारो, मैंने मारा। लवी को भी बहुत पसंद आई, लवी ने खीर में चटनी मिक्स करके नया टेस्ट ईजाद किया, और हमने वो भी टेस्ट करके देखा, वो भी बहुत पसंद आया हमें। क्या बात है, तूने बहुत सारे खाने बनाए आज तक, सब मैंने टेस्ट किए, पर ये सबसे बेस्ट है। जो कि तूने डोसा बना लिया, इडली बना ली, पता नहीं क्या बना लिया, उनके सामने फीका है ना, पर इसके सामने सब बेकार हो चुका है अभी अभी, ये सीरियसली बहुत टेस्टी है। मतलब कैमरा बंद करके भी मैं यही बोलूंगा, चटनी भी कम नहीं लग रही। चलो मैं एक बार टेस्ट कर रहा हूँ।
अब लुगाई आ चुकी है तो माँ के खाने की बेइज्जती ही करनी पड़ेगी अब हमेशा। भाई बहुत बेकार यार ये चटनी में बिल्कुल मजा नहीं आया। दोनों चाची आई हैं बहू के हाथ की खीर खाने के लिए। थैंक यू बेटा, आज हम पहली बार अपनी नई नई बॉडी के हाथ की खीर खा रहे हैं। एप्पल जूस और दूसरा क्या है, गुआवा जूस अपने आप बना कर पी रही है। देखिए कितनी सही लग रही है, ये देखिए वाह टेस्टी है तोशी, टेस्टी हो रहा है, वेरी गुड।